Good morning. Good morning, Ushna. Good morning, sir. वीडियो चालू करो, इसीलिए मैंने गुड मॉर्निंग किया, तो तुम्हारा वीडियो बंद था. ओके, यस. सो राइट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू, व्हाट आर द एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स ऑफ, राइट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू. Coefficient of viscosity. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. लास्ट टाइम हमने यू नो एज पर न्यूटन्स लॉ फोर्स का फॉर्मूला दिया था, फोर्स एक्टिंग ऑन एनी लिक्विड लेयर. अफीफ, व्हाट वाज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? अफीफ सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. व्हाट रिकॉल? आई डोंट लाइक दिस. व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉल? Hussain Dagina? Yes, sir. Yes, sir. What is the formula? F equal to? Sir, I just came now. Theta into A into, abhi yaad karo, iske aage kya tha? Theta into A into? Velocity. Yeah, that's right. dv by dx. And then we want eta. So eta will be what? F upon A into dv by. Go on writing along with me. And that is equal to F dx upon A dv. Unit. SI unit. Newton. Distance is meter. एरिया का क्या लिखूं? एरिया के बदले आलोक गुप्ता, एरिया का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट. इट इज मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड. ऑलराइट, दिस मीटर एंड दिस मीटर गेट्स कैंसल, सो दैट विल बिकम न्यूटन इनटू सेकेंड per meter square. And what about CGS unit? Dyne second per centimeter square. Dyne second per centimeter square. Phir ek note likho. One dyne second per centimeter square is called as poise. Sir. Sir. Yeah. In the SI unit. So SI unit no S upar chal jayega. S upar chal jayega na. Mathematics. Dono S upar chal jayega na. Kya?
Okay, understand it. But देखो फोर्स का फॉर्मूला eta into a into dv by dx, eta will be f upon a into dv by dx, f into ये dx ऊपर आ गया. देखो ऐसे जैसे ये dx ऊपर आया था वैसे second ऊपर आया. F into dx upon a into dv. ऐसे इवन फोर्स के बदले न्यूटन, डिस्टेंस dx is distance, उसके बदले मीटर, एरिया के बदले मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी के बदले मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर के कैंसिल, दिस सेकंड कम्स अप, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट. CDS will be Newton के बदले टाइम, टाइम के सेकंड का सेकंड रहता है, मीटर स्क्वायर विल बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड रिमेंबर वन टाइम सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज कॉल्ड एज पॉइज. देयरफॉर वन पॉइज इक्वल टू वन टाइम सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. I hope that's clear to everyone. इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखो. Find the relation between SI and CGS unit of coefficient of viscosity. Find the relation between SI and CGS unit of coefficient of viscosity. पहले है ना, बिफोर गोइंग फर्दर जस्ट मुझे एक बात बता ना, वन न्यूटन इज हाउ मेनी टाइम. आपने 10th स्टैंडर्ड में भी किया, 11th में भी मैंने किया था. एक न्यूटन में कितने टाइम होते हैं? कितना? That's right, Asif. 10^5 टाइम. वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? प्रिशा शेट्टी वन मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर? 10^-2. That's very bad answer. हम लोग बचपन से सीखते हैं कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. 1 सेंटीमीटर इज 10^-2 मीटर. प्रिशा, ओ प्रिशा. Yes sir. This clear? Yes sir. हाँ, तो what is SI unit? You can write SI unit of eta is Newton second per meter square. Okay. And CGS unit of eta is, go on writing, 10 second per centimeter square. Therefore, 1 Newton second per meter square equal to 1 Newton ke badle kitna time likhu? 1 Newton ke badle kitna time likhu? 10^5. That's right. Second is second only. 1 meter is 100 centimeter. So 1 meter square kitna hoga Vidhi Bhatt? Vidhi Bhatt, 1 meter square is how many centimeter square? 10^4. That's right. And that is equal to 10. That is equal to 10 poise. And therefore, 1 newton This is the relation. So poise means? Kya? Bolo, please. Poise na? Bataya na, poise is SI CGS unit. Kaun puch raha hai? Abhi to bataya maine. I hope that's clear to everyone. Yes, sir. Wait, tell a question, Liko. Question likha jaye. State Stokes law.
ये कॉपी कर दो डायग्राम कॉपी करो डायग्राम ओके okay, अब मेरी बात सुनो ध्यान से देखो ये डायग्राम में बता देता हूँ क्या ये विस्कस मीडियम है ब्लू कलर का जो दिखाया ना वो विस्कस मीडियम है उसके अंदर लाल वाला एक स्मॉल स्फीयर है इट इज फॉलिंग नीचे गिर रहा है इन दिस विस्कस मीडियम विद वेलोसिटी वी तो स्टोक ने स्टडी किया एक लॉ इसके ऊपर कितना विस्कस फोर्स एक्ट करता है तो उसने उसका फॉर्मूला निकाल दिया सीधा अपने पास डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में उसने फॉर्मूला निकाला दैट विस्कस फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला 6 pi eta r v straight away learn by heart 6 pi is constant eta is coefficient of viscosity r is radius of the sphere v is the velocity with which it is falling that is the viscous force given by whom mr stoke to ye iska law hai aur uske baad proof aapko hai na kya bolte hai dimensional proof karna hai ye maine aapko in the chapter of मेजरमेंट सिखाया था शो बाय मेथड ऑफ डायमेंशन यानी यूज नंबर 2 या 3 आई थिंक दैट वाज यूज नंबर 2 तो ये इसके लिए जरा छोड़ दो इटर का डायमेंशन आपको मालूम है आर का मालूम है आपको खाली मेथड बता देता हूँ क्या कर रहे हैं m1 l1 t minus 2 is directly proportional to देख पहले f is directly let theta raised to x r raised to y v raised to z इसके बाद जगह छोड़ दो leave space this I have explained you use number 2 कैसे x y z की value anybody can tell me x y z की वैल्यू क्या प्रूव करके दिखाएंगे x का क्या आंसर आना चाहिए y का क्या आंसर आना चाहिए z का क्या आंसर एनीवन हु हैज अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल नोस दैट सर आंसर ये आना चाहिए लास्ट में हमें ये प्रूव करना है 6 पाई ईटा आर वी ईटा रेस टू x r रेस टू y v रेस टू z सो x y z की वैल्यू क्या होनी चाहिए लास्ट में एनीवन ऑल ऑफ यू आर ओपन अफीफ उसने तो नहीं थी शायद वो टाइम पे अफि विधि भट्ट विधि भट्ट यस सर बोल क्या आंसर आना चाहिए एक्स वाई जेड का सो दैट वी प्रूव एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी यार एक्स वाई जेड शुड बी इक्वल टू 1 एक्स शुड बी 1 तो ईटा हो जाएगा अब y should be 1 तो r हो जाएगा z should be 1 तो a भी हो जाएगा I don't like this के बाद जगह छोड़ो सब लोग as homework this proof कर रहे हैं सभी को अफी भाई मैं you said 1 1 1 yes sir I said but बहुत time लिया तुमने चलो ठीक है after this write a question explain what do you understand by iska statement hai na apne notes mein maine photo bheja hai udhar se likhna hai aapko stokes law ka statement jagah chhod dena wahan pe okay iske baad mein likho explain what do you understand by terminal velocity
terminal velocity. What do you mean by terminal velocity? Derive an expression for terminal velocity. Derive an expression for terminal velocity of a spherical body. Falling through. Falling through. उसके पहले terminal velocity. Of a spherical body. Falling through a viscous fluid. Hussein, I'm removing you from the group just now. Don't play all this, okay? Remain directly in front of camera always. Okay. So let us understand. Bahut interesting hai, bahut easy hai. Iska main proof ke khali mathematical steps dunga. Starting ka around, you know, around 10 lines you will leave. 10 lines hai na chod dena, wahan se copy kar lena apne notes mein se, jo maine photo khich ke bheja hai. To suno dhyan se. आखिर इन टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है पहले सुनो ध्यान से. जब मैंने जैसे आसमान की बूंदें पर एग्जांपल निकलता हूँ, आसमान ने सपोज जैसे रेन ड्रॉप चाहिए तो उसको रेन ड्रॉप स्टार्ट्स फॉलिंग. पहले क्या होता है, इस वेलोसिटी गो ऑन इंक्रीजिंग, इस वेलोसिटी धड़ बढ़ती जाती है ड्यू टू इट्स वेट एमजी. उसका खुद का वेट एमजी के कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है. लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, वी नो एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, बिकॉज़ वेलोसिटी बढ़ने पे विस्कस फोर्स भी बढ़ता है, तो विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाता है. और साथ में इफ सपोज रो एम इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर एंड रो एल इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड थ्रू विच इट इज पासिंग और थ्रू द मीडियम थ्रू विच इट इज पासिंग, तो यू नो ड्रैग बॉयन फोर्स बोलते हैं उसको. Buoyant force starts acting in the upward direction. Buoyancy, आपने सुना है कि नहीं buoyancy? All of you, जब किसी solid को immerse करते हैं liquid में, तो it displaces equal volume of water. ये सुना है कि नहीं? Archimedes yes, principle. Okay, तो बस वो है ना, उसके कारण buoyancy, force due to buoyancy starts acting. धीरे-धीरे क्या होता है? एक ऐसी equilibrium condition आती है कि this force downward force due to weight is balanced by upward force due to viscosity and buoyancy. And thereafter, sphere starts falling with constant velocity. And this constant velocity is called terminal velocity. It's called as terminal velocity. एक बार फिर से बोलता हूँ. I am going to ask, huh? मैं question पूछूंगा तो मेरे को क्या answer देना है वो सुन लो. मैं जो बोलता हूँ वो question, वो answer देना है आपको. कि sir, आपने जो terminal velocity पूछा है उसका answer is something like this. जैसे ही sphere fall होता है तो पहले उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है ड्यू टू इट्स ओन वेट एमजी. एज वेलोसिटी इंक्रीजेस सर, तो विस्कस फोर्स आल्सो स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन द अपर डायरेक्शन एंड आल्सो देयर विल बी फोर्स ड्यू टू बॉयंसी बॉयंट फोर्स एंड देयर आफ्टर अ स्टेज कम्स एट व्हिच डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू वेट इज बैलेंस्ड बाय अपर फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी एंड बॉयंसी एंड देयर आफ्टर sphere starts falling with constant velocity and this constant velocity is called terminal velocity. Ek bar aur bolu ki chalega itna? Yes sir, ek bar aur. Ek bar aur bol raha hu, then I am going to ask. Nobody will say mere ko samajh mein nahi aaya, mere ko ye nahi wo nahi suna hi nahi diya. When a sphere starts falling, initially its weight increases. Its velocity increases due to weight. But as velocity increases, the viscous force also increases. And
viscous force also starts increasing. A pinch comes at which downward force due to weight is balanced by upward force due to viscous force and upward force due to buoyancy. And thereafter, sphere starts falling with constant velocity. And this constant velocity is called terminal velocity. This will be told to me by Murtaja. Yes, sir. Ball. So when the ball is fallen from sphere is fallen from the viscous medium, the due to which the velocity due to its own weight, velocity is increased and the viscous force is also increased due to it, and the buoyance force is also increased. Huh. Yeah, very good, very good. Huh. Roshni, iske baad bol. Roshni. Then at a certain stage, the weight and the viscous force become stable due to the and the buoyance force also becomes stable. And thereafter. और उसके बाद क्या होता है? You're right. Thereafter, the sphere starts falling with constant velocity. And this constant velocity is called terminal velocity. इतना बोलना है. Very good. चलो, अभी है ना mathematical steps लिख दो. Write down the mathematical steps. ऐसा लिखो weight of sphere. Please write. पहले 10 लाइन छोड़ दो. Weight of sphere equal to buoyant force plus viscous force. And therefore, mg equal to mlg plus 6 pi eta rv. Therefore, mass is what I think, but density into volume. So density into volume of the material of the sphere into g equal to density into equal volume of liquid into g. This is density of material, volume will remain same. Density of liquid, volume will remain same. Plus 6 pi eta rvt into vt. Terminal velocity. Rho m kya hoga? Density of material of the sphere. Rho l kya hoga? Density of the liquid through which it is passing. What is the volume of a sphere? Who will tell me the formula for volume? Volume of a sphere kya hota hai? Marge check. Marge so raha hai kya? Yes, sir. Formula bol. For volume of a sphere. So 4 upon 3 pi r square. No, pi r square be 4 upon 3 pi r cube. Volume will remain the same because equal volume of liquid is displaced. Or you know, when you simplify this, so Vt ka jo answer aayega, wo aayega 2 by 9. R square g upon eta ye formula learn by heart karna. This I am going to ask. Learn by heart. माँ लाइट चालू करो घर में सर कैन यू एक्सप्लेन द लास्ट स्टेप हाँ मैथमेटिक्स क्या इसके ऊपर पाई गए पाई का क्या सर तुम्हें खाली फॉलोअर लर्न करना है या पूरा लर्न करना है ये पूरा लर्न कर रहा है ये तो सब समझ के लिखना है आपको
लास्ट में फॉर्मूला लिख डालना है यार, सिंपलीफाई करो तो आएगा ही, ऊपर से धीरे 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 सिंपलीफाई करो तो आंसर आ जाएगा। सिंपलीफिकेशन ऑफ द लास्ट स्टेप, समझा नहीं मैं क्या बोल रहे क्वेश्चन बेटा। हाँ हाँ हो गया, ये कॉपी कॉपी हो गया बेटा। यस सर। देखो एक बार फिर से, वेट mg, बॉइलिंग फोर्स मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन g, जस्ट विस्कस फोर्स 6 pi eta rdt, स्टोक्स लॉ वाला, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास इज डेंसिटी, बाकी सब सेम, वॉल्यूम इज 4/3। हां इधर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, जैसे कॉपर स्फीयर होगा तो डेंसिटी ऑफ कॉपर, पानी के अंदर जा रहा होगा गिर रहा होगा तो ये होगा डेंसिटी ऑफ पानी, लाइक दैट। ऑलराइट, तो मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज 4/3 pi r³g, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 4/3 pi r³g प्लस 6 pi eta rV, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। दिस फार्मूला आई एम गोइंग टू आस्क, अगर मैंने कभी पूछा कि टेल मी फार्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, तो आपको लर्न बाय हार्ट करना 2/9 r²g / η (ρm - ρl), ऐसे आंसर देना है। अभी फिलहाल देख के भी बोल सकते हो, आई वुड लाइक टू आस्क ओम मिस्त्री, व्हाट इज द फार्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी? 2/9 r²g / η, ρm - ρl. That's right. बहुत अच्छा। अभी अगला क्वेश्चन लिखो, explain what do you mean by Reynolds number? This is the last theory question of this chapter. Then we'll do some problems and then we'll start with the next chapter. Explain Reynolds number. ओके ठीक है। रेनॉल्ड क्या था मालूम है? रेनॉल्ड करके साइंटिस्ट था, उसको जो पता चला कि लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी तो फ्लो इज लेमिनार, मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी तो फ्लो इज टर्बुलेंट, तो उसने बोला आखिर कोई क्राइटेरिया बनाएंगे हम लोग जिससे पता चल जाए, तो उसने अपना एक नंबर निकाला, रेनॉल्ड नंबर डिनोटिंग बाय कैपिटल एन।
उसके हिसाब से कैसे किया उसने, वी डोंट हैव टू वरी, ही फाउंड अ फार्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी एज रेनॉल्ड नंबर इनटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी इनटू डायमीटर ऑफ द पाइप थ्रू व्हिच द लिक्विड इज फ्लोइंग. So therefore, n will be equal to Vc rho d upon eta. Vc rho d upon eta. So that is the formula. Any one formula you learn by heart. Alright. Any one of the formula you learn by heart. And that way. But yahan pe laminar, agar n ka value between 0 to 2000 hai, to laminar. N ka value between 2000 aur 3000 hai, to may change from laminar to turbulent. Matlab tayari mein hai. Tayari mein kis se, kahan se kahan hone ki laminar se turbulent hone ki. और अगर 3000 से जाता है तो समझ जाओ इट इज टर्बुलेंट फ्लो. ये कैसे फॉर्मूला आया, नॉट टू वरी, यू हैव टू डायरेक्टली लर्न बाय हार्ट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. ऑलराइट, ये बोले ये हो गया रेनॉल्ड. एक छोटा सा पार्ट है, ऐसा खाली लिख दो, डिराइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. डिराइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, डिराइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. Equation of continuity. Mathematics नहीं है ये, physics का continuity है. ये तो maths में आई थी, limits and continuity करके एक chapter है. Equation of continuity. मैं जो लिख रहा हूँ ना सीधा लिख डालूँ. Should I dictate or should I write? What do you prefer? What do you prefer? Sir, write. Okay, ऐसा लिखो. For an ideal fluid. For an ideal fluid flowing under streamline condition, yani ki laminar condition, the mass flowing per unit time, mass of fluid flowing per unit time at any cross section is constant. मतलब जैसे 5 किलो पर सेकेंड की जैसे पानी जा रहा है, सपोज ये ऐसा है, यहां से अगर 5 किलो पर सेकेंड जा रहा है पानी, मास है नॉट वॉल्यूम, क्या है मास, तो यहां से देखोगे तो वहां से भी 5 kg/s ही जाएगा, कहीं से भी देखो 5 kg/s ही जाएगा. ये होने के लिए यहाँ पे वेलोसिटी फास्ट होगी, यहाँ पे स्लो, लाइक दैट. मास पर यूनिट टाइम विल रिमेन कॉन्स्टेंट एट एनी क्रॉस सेक्शन. That is what is the equation of continuity. Again, its final equation kya hai dekhte. So therefore, mass upon time equal to constant. Therefore, density into volume upon time equal to constant. Go in writing. Therefore, density into what is the volume? Volume kya hoga? Area into this length. Anybody can tell me length upon time kya hota hai? Anybody? Distance upon time? Anyone? Velocity. Anyone? That is right. Therefore, rho AV equal to constant. Therefore, A into V equal to constant. Since rho is constant, or therefore A1V1 equal to A2V2. This is what is equation of continuity. Or V is inversely proportional to H. OB area bada hoga kidhar pipe ka to udhar velocity kam hogi, jahan area chota hoga wahan pe velocity jyada hovegi. Ye bahut commonly kafi problem mein zarurat padti hai. A1V1 equal to A2V2, isliye isko learn by heart karke rakho. जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, ये सपोज पाइप है, यहाँ पे एरिया सपोज A1 है, यहाँ पे एरिया सपोज A2 है, तो यहाँ पे वेलोसिटी V1, यहाँ पे वेलोसिटी V2, तो A1V1 इक्वल टू A2V2, A1 इनटू V1 इक्वल A2 इनटू V2,
V1 is velocity, yeah? Please keep it. छोटा भी है ये density, ये volume was बड़ा भी. This was volume. This is velocity. नहीं तो तुम लोग v v के चक्कर में गड़बड़ कर डालोगे. इसके साथ ही थियरी गेट्स ओवर. तुम लोग को बहुत अच्छा टाइम मिला है जिंदगी में. ऐसा टाइम कभी नहीं मिलता है कि घर में कुछ काम नहीं, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई. सो गो ऑन एंजॉयिंग योर स्टडीज. आई एम श्योर यू ऑल ऑफ यू मस्ट बी डूइंग दैट. देखो यहाँ पे देखो, मास पर यूनिट टाइम इज कॉन्स्टेंट. मास इज नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन टाइम इक्वल टू कॉन्स्टेंट. बट वॉल्यूम 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 इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ अपॉन टाइम इक्वल टू कॉन्स्टेंट. बट लेंथ अपॉन टाइम इज व्हाट? वेलोसिटी. तो रो ए बी. बट डेंसिटी ऑलवेज रिमेंस कॉन्स्टेंट. डेंसिटी ऑफ लिक्विड थोड़ी चेंज होगी. वॉटर की डेंसिटी सपोज 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर, तो कितना भी पानी जाए थोड़ा ही ज्यादा डेंसिटी. देयरफॉर डेंसिटी गेट. देयरफॉर ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. देयरफॉर ए वन बी वन इक्वल टू ए टू बी टू. ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोला जाता है इसको. लेकिन इसका मेथड ये भी है कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. अब हम लोग करते हैं बस चैप्टर खत्म होने की तैयारी में दो चार प्रॉब्लम इनके ऊपर कर लेते हैं हम लोग. रेनॉल्ड नंबर, टर्मिनल वेलोसिटी और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक एक प्रॉब्लम करेंगे. तो दिस चैप्टर गेट्स ओवर. वेरी बिग चैप्टर. तो एक प्रॉब्लम लिखो. आई थिंक प्रॉब्लम नंबर 120. प्रॉब्लम नंबर 120 मुझे फॉर्मूला बता. आलोक गुप्ता फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी बता. आलोक गुप्ता. हाँ यस सर. बोल. तो 2/9 rg/θ रो एम माइनस रो एल. नो आर नहीं, आर स्क्वायर है. बराबर पढ़ो. आसिफ Calculate the force required to move a flat glass plate of area 10 cm square with a uniform velocity of 0.5 cm per second over the surface of liquid 2 mm thick. If the coefficient of velocity of the liquid is 2 Pascal per second into second. हमारे पास